गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआओं से हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है। मॉर्निंग से मैं जॉब पे जाने के लिए रेडी हो चुकी हूँ। बहना और आपी भी जॉब पे जा चुकी हैं। आप लोगों ने कल वाले व्लॉग पे बहुत सारा प्यार दिखाया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और मुझे लग रहा है कि आप लोगों को बहना का बनाया हुआ व्लॉग भी अच्छा लगा, मेरे को भी अच्छा लगा। बस मैं वैसे ही उसको तंग करती हूँ, मैं थोड़ा टोकती रहती हूँ, ऐसे नहीं करना था, ऐसे नहीं करना था। तो नीचे चलते हैं, जाके देखते हैं नाश्ते में क्या है और आज नाश्ता मैं क्या करती हूँ और व्लॉग में आगे क्या क्या होता है। आप लोगों ने लास्ट तक बने रहना है और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। तो गाइस मैं नीचे आ चुकी हूँ और मैं करने लगी हूँ नाश्ता। बहुत ज़्यादा भूख लग रही है तो नाश्ता करते हैं फटाफट और उसके बाद जॉब पर जाते हैं। सो गाइस मैं जॉब से आ चुकी हूँ। मैं थोड़ी देर पहले ही जॉब से आई थी और आती मैंने खाना दिखाने से पहले खाना ज़रूरी समझा क्योंकि मुझे लग रही थी भूख यार, तो मैंने कहा खाना आप लोग को बाद में दिखाऊंगी, पहले खाना खा लूँ क्योंकि पेट में दौड़ रहे थे चूहे। तो फटाफट खाना खा लिया, पेट हो चुका है फुल। अब आपको खाना दिखाते हैं, चाय दिखाते हैं और बाकी सारी बातें बाद में करते हैं, थोड़ा रुके ज़रा सफ़र करें। यहाँ पर मुझे अचानक से दिखा फेलिक्स का बैग, तो मुझे लग रहा है फैली के कॉलेज जाने की तैयारी हो चुकी है पूरी। खोल के देखते हैं अंदर कुछ रखा भी है कि खाली है। ओ माय गॉड मेरा पड़ाकू भाई। तो ठीक है, अगर ये कॉलेज जाते हुए इसकी मॉर्निंग का भी क्लिप ज़रूर लेंगे, चोरी चोरी लें मतलब मैं लूँगी ज़रूर। एकदम से मेरा ध्यान पड़ा नीचे जाते जाते कि यार एक अदद पार्सल आया हुआ किसी का, तो इसके अंदर जो मेरे को अजीब सी नहीं मतलब जैसी चीज़ लग रही है ना उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि ये बहना का ही कोई पार्सल आएगा, क्योंकि मैं और आप ही ऐसे बैग वैग ऑर्डर करते नहीं हैं ज़्यादातर, तो लग तो भी आ रहा है यार। आ सो क्यूट, ये कितना प्यारा है। तो ये यकीनन बहना ने ऑर्डर किया होगा, पर सच अ क्यूट ब्यूटिफुल यार। अंदर से दिखाते हैं, वाह जी वाह, बाहर से तो ये बहुत क्यूट है यार। आप लोग बताना आप लोगों को कैसा लग रहा है, मुझे तो बहुत प्यारा लगा। गाइस नीचे जाने से पहले मैंने कहा खाना दिखाने से पहले मैं आप लोग को एक बात बोल दूँ, मेरी खुशी का इजहार कर लूँ कि मेरी पूरी फैमिली और मैं और आप ही स्पेशली हम लोग व्लॉग देखते हैं, 7 स्टार फैमिली व्लॉग। आप लोगों ने ज़रूर देखना है और हम लोग वो व्लॉग देख के सीरियसली बहुत इंजॉय करते हैं, हम सब मिलकर देखते हैं। और उनके जो छोटे भाई हैं उनकी तो क्या ही बात है, मतलब मूड ऑफ भी होता है ना। तो सीरियसली मैं आपको बोल रही हूँ, आपकी वजह से ना आई थिंक सो बहुत सारे लोग हंसते होंगे क्योंकि मैं और मेरी आप भी लोग बहुत इंजॉय करते हैं। और आप लोगों का स्पेशली एक व्लॉग है जहाँ पर आप लोग नहर में नहाने गए थे, वो कोई हम 3-4 बार हम लोग टाइम से लगा के देखते हैं, वो हम 3-4 बार देख चुके हैं ऐसे पीछे कर करके क्योंकि हमें वो इतना पसंद है। तो यार लव यू, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बहुत अच्छा व्लॉग बना रहे हो और मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग की बाउंडिंग आपकी बहनों के साथ, मतलब सब बहुत अच्छे हो और ऐसे ही कामयाब होते रहो, लव यू। और हम लोग ने आप लोग का टिकटॉक अकाउंट भी देखा है। हाँ मैंने ना इंस्टा भी फॉलो किया, मैं बता रही हूँ एक एक मुझे पहले। और हम लोग प्लान हमारा अगर हुआ हम लोग वहाँ आए तो हम लोग आप लोग से जरूर मिलने आए। हाँ क्योंकि अब हमारा दिल कर रहा है हम मिले। और मेरे को तो पहली अपडेट मिल गई थी आप लोग, मैं इंतजार करी थी आज के ब्लॉग का क्योंकि आज लाइटिंग हो जानी थी घर पे, मैंने देख लिया था। तो हम नीचे जाके आपको खाना दिखाते हैं और चाय दिखाते हैं। देखिए गाइस चाय हो चुकी है रेडी और चाय बनाई है बहना ने और ये रही मम्मा। बहना का मैं क्लियर कर दूं यार, बहना का सही नाम जैस्पर है पर सब बहना ही बोलते हैं, तो आप लोग भी बहना ही बोलें क्योंकि इसको सब बहना के नाम से ही जानते हैं। और ये रही मम्मा, आप लोग हेलो हाय करें। हेलो कैसे हैं आप लोग, मेरी तरह आवाज निकाल लो ज्यादा, तेरा वॉल्यूम ज्यादा है भाई। और हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक है शुक्र है खुदा का। और आज का हम लोग तो डॉली आते ही जॉब से आगे शुरू किया है। मम्मा ने सुबह कर लिया था, अच्छा मुझे फिर याद है। नाश्ता मैं जरूर दिखाती हूँ सबको, भला मैं एक अंडा क्यों रखा हूँ। और साथ ही ये टफी सर जी भी बैठे हुए हैं ऐसे रुसवा होकर। कल जैसे कि आपको हमने बताया था कि रॉबिन भाई जो है वो अपने ट्रिप पे चले गए, खुदा का शुक्र है कि वो पहुँच गए हैं, कैंप के लिए जाते हैं ना, टाइगर्स हैं तो वो कैंप के लिए जाते हैं, तो आप ही बस थोड़ी देर में आती हैं, आप ही कहीं काम से गई हुई है। हमारे पास ही रहेंगी 2 दिन, आप ही यहीं पे रहेंगे, फिर भाई
दोबारा जाएंगे तो फिर भी आप यहीं पे रहेंगे ए, अगले व्लॉग च दस दे दोबारा जाना भी अज ही आएगी तो जाएगी वो फॉरेन से चले जाएगा ना इसलिए बताया तो एक नाइट के लिए आएगा और फिर दोबारा चला मामा तो हम कल फिर बता रहे अगले यार समझ ना आए फिर पूरी नाइट भी करने वाले हैं तो आप लोगों को व्लॉग बहुत और अभी ये लोग आप ही के घर भी जाएंगे तो आप ही के घर जाके भी व्लॉग बनाना आप ही कुछ लेकर आई है वो हम स्पेशली दिखाएंगे भी हम लोग अपने कोरियन टीम के लिए ना उनके लिए गिफ्ट्स पैक करने तो वो हम आपको जरूर दिखाएंगे और टफी को भी लेके जाना था बट हम कल लेके नहीं जा सके बट लेकर जाएंगे जरूर टफी को एक दफा के घर पर तो आप लोगों ने आने वाले व्लॉग मिस नहीं करने yes. ये देखें गाइस मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि आज हमारे घर पर बने हुआ है हलीम है सॉरी निहारी मुझे हलीम और निहारी की एक्चुअली थोड़ी मिसप्लेस हो जाती है और मामा ये क्या दिखा रही जो खत्म हुई हुई चीज हाँ ये सब कुछ इसके अंदर जो ऐड होता है क्योंकि हमने खा लिया है और बड़ी मजेदारी सी निहारी निहारी बनी हुई है हमारे घर पे आज देख लें इस शख्स को आप सिर्फ देखें कि इनको कोई काम है खवारियों के अलावा क्या आंखें खिलाड़ी काम गई थी टाइम देखा आपने टाइम देखा है इधर व्लॉग में आए लोगों को जवाब दे भाई लोग कमेंट करते हैं लोग कह रहे हैं वेरी ब्यूटीफुल सिस्टर को व्लॉग में लाए सिस्टर हाय करें यही है वो ब्यूटीफुल सिस्टर क्या लाई है दिखाएं लोगों को भी दिखाएं हमें भी दिखाएं लो उठा वेरी गुड ये कोरियन के लिए टूटर इंडिया तो ये क्या है यहाँ पे कोरियन लेडी जो आई है भाई वो जो बहना ने आप लोगों को बताया था ना कि वो कोरियंस के लिए गिफ्ट्स लेकर आने हैं शायद ही वो कुछ आपकी लाई है है कि ये परफ्यूम वाह वाह ने ये देखें गाइस पैकिंग देखें आप सो ब्यूटीफुल यार ये कैसे पैक करा के लाई है या पैक उतने करके दिए हैं ऐसे ही पैकिंग ही है करके दी है अच्छा वाह बहुत प्यारे लग रहे हैं ये देखे गाइस मिले मम्मा से मम्मा हाय करें मुंह से बोले हाय व्यूअर्स और मैं तो बहुत ही प्यारी लग रही हूँ ये देखे बाल तो देखे मेरे बाल और भेड़ को मिले आप लोगों ने दिखाए दिखा ये देखो मम्मा बात कर कोई गल कर लो कर अच्छे ठीक है मैंने सर्जरी कराई है यहाँ से अपना ये सर मेरे ऐसे स्लिम स्मार्ट कराया है कैसी बसुरी शक्लें बना रही है खुदा ने इतनी प्यारी प्यारी शक्लें बनाई है मैं के सारे जनों मिलने पहने थे इन्ना ने वो मिलने चलो सलाम करो जी कहो सलाम जी कहो बुठा घोर के सलाम करो केड़ी है आप पर सीपते लाग दी है ये हजी जहजी बता रही की एक खुरका के सलाम सलाम जिथे कोई काम है नहीं है बस हर टाइम बूथे दे कुछ ना कुछ ला लो होर कोई काम ही नहीं है ए की लाया दसो जी बेसन बेसन लोग की पकोड़े बना देने बेसन मुंह ते ला लेनी है पकोड़े बन देने एदी ब्यूटी दा राज बेसन वाले पकोड़े सारा मसाला मसूला पा के लगा बस हम तलना बाकी रह गया हाँ तेरे बूथे नु जाके असि तल दे ते पकोड़ा बन जाएगा हल्दी भी है ओके गाइस बे सीरियस यार मजाक वाली बात नहीं मेरी बहन ने मुंह पे लगाई हुई है हल्दी और बेसन
और बस चावलों का आटा, उसके अंदर पानी, उसको मिक्स करें और वो अपने फेस पे आप लगा लें और आपको सिर्फ 5 से 10 मिनट के अंदर एक गोरी रंगत मिलेगी जो है सिर्फ बहना की और मेरी और आपी की, तो वो नहीं है क्योंकि हम नहीं लगाते हैं। तो गाइस आप लोगों को मैं ये तो दिखाना भूल ही गई कि आपे लाई है वहां से बोर्ड बेसन से बिरयानी और मम्मा फुल मरना शुरू हो चुकी है बिरयानी। मामा कैसी है आप बताएं, कैसी है? मजेदार। मामा कह रही है बहुत मजेदार है, साथ फुल ऑन सलाद, रायता, बिरयानी और ये रही मम्मा। और मामा अकेली बैठ के खाना शुरू हो चुकी हैं और लालची आदमी पास ही खड़े हुए हैं जैसे कि टफी। क्या कहना चाहिए कि लोग जा सकते भेड़ पोसर? भेड़ पोसर जा सकते हैं? मामा भी सीरियस हो गए, कहाँ पे जा सकते हैं? बोर्ड बेसन। बोर्ड बेसन आप लोग भी जाएं और ये लजीज बिरयानी खाएं जो मामा खा रही है। सो गाइस इसी के साथ आज का ब्लॉग एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को बहुत मजा आया होगा आज के ब्लॉग में भी। तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ढेर सारा प्यार दिखाएं। कल मिलते हैं फिर किसी अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।